लद्दाख की गलवान घाटी जब लहूलुहान हुई तो हिंदुस्तान के 20 घरों के चिराग बुझ गए। इन्हीं में से एक है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहारगोड़ा का ये घर। कलेजा चीर देने वाली चीख और न रुकने वाले आंसू, ये उस माँ की ममता है जो अपने कलेजे के टुकड़े के लिए बिलख रही है। पिता की आंखों का पानी तो मानो सूख गया है, शून्य को झांकती ये आंखें खुद शून्य हुई जा रही हैं। और इस कच्चे घर के बाहर जुटी भीड़, ये सब उस दर्द के हामी बनने आए हैं जो इस घर में रहने वालों के सीने पर पहाड़ से भी भारी बोझ बन चुका है। इस घर का लाडला गणेश गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। महज 23 साल की उम्र में वो मादरे वतन हिंद की निगहबानी में शहीद हो गया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, गांव भर में मातम पसरा है। कल रात को एक फोन आया जो कि हम लोग को जानकारी मिला कि हम लोग का मेरा छोटा भाई जो कि वो जो चीन में जो अभी चल रहा है उसमें वो शहीद हो गया बोलते फोन आया। घर पर गणेश की शादी की चर्चाएं चल रही थीं। सबकी ख्वाहिश थी कि अगले लगन तक इस घर में बहू आ जाए, लेकिन आई भी तो क्या खबर, शहादत की खबर। गणेश ने सितंबर 2018 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उसकी बचपन से ही आर्मी में जाने की इच्छा थी। फिर जब रांची में इंडियन आर्मी की सीधी बहाली हुई तो गणेश भी अपनी दावेदारी पेश करने पहुंच गए, जहां उनका चयन हो गया। फिर दानापुर में ट्रेनिंग और उसके बाद पहली पोस्टिंग लद्दाख। करीब 6 महीने पहले गणेश 2 महीने की छुट्टी पर घर आए थे, पर उम्मीद किसी को नहीं थी कि अगली बार वो अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर आएंगे। शहीद गणेश के पिता सुबदा हांसदा किसान हैं और माँ गृहिणी। गणेश के भाई गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करते हैं। सबको उम्मीद है कि बेशक इस घर की खुशियों पर मातम छा गया, लेकिन गणेश की शहादत बेजा न जाने पाए। पूर्वी सिंहभूम से दिनेश रजक की रिपोर्ट।